अस्सलाम वालेकुम, मैं नीलमा नूर, मेरे प्यारे व्यूवर्स, एक न्यू वीडियो के साथ। अच्छा जी, तो आज की वीडियो मैंने बनाई है लकी वन में। अगेन इट्स माय सेकंड वीडियो। तो जनाब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में इस तरह से है कि पहले हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला, लेकिन हुआ ये कि वहाँ जाके इतनी प्यारी अरेंजमेंट देख के हमारा मूड हो गया बहुत ही बेहतरीन। अच्छा जी, जितनी प्यारी अरेंजमेंट थी उससे कहीं ज़्यादा थी रश। तो जनाब आज मैं अकेली नहीं थी, आज मेरे साथ थी मेरी पूरी फैमिली, मेरी सिस्टर, उनके बच्चे। और आज लकी वन के अरेंजमेंट्स देख के, जैसे मैंने बताया कि हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पे हाँ जी, तो पहले हमने सोचा कि क्यों ना इस इवेंट को बाद में अटेंड करें। सबसे पहले मैं और मेरे साथ मेरी बांजी, हम लोग चले गए शॉपिंग करने के लिए, और हमने स्टार्ट किया सफ़ायर के साथ। तो वहाँ पे हमने कुछ ड्रेसेस देखे और बहुत ही मज़े मज़े की चीज़ें देखी। सफ़ायर के बाद हम लोग चले अलकरम के साइड पे। अलकरम पे जो सेल पिछली वीडियो जो मैंने अपलोड की थी, जैसे मैंने बताया था कि बहुत ही मज़े की सेल लगी हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सेल ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन अलकरम वालों ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने स्टोर को डेकोरेट किया था। अच्छी परफॉर्मेंस दी जा रही थी, और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ साथ लोगों ने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। इतनी ज़्यादा रश थी, इतने सारे बच्चे थे, और बच्चों में पाकिस्तान के फ्लैग्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था, जिससे बच्चे और ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे। उसके बाद ना सिर्फ जो है परफॉर्मेंस दी गई, परफॉर्मेंस के बाद आप देखेंगे आगे के बकायदा क्वेश्चन आंसर्स भी किए गए। क्वेश्चन आंसर्स के साथ साथ जो है बहुत सारे लोगों में जिन सही आंसर दे रहे थे लोग, उनमें गिफ्ट्स भी बांटे गए। लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ, और धीरे धीरे रश बढ़ती ही जा रही थी कम होने के बजाय। सेम डे बच्चों ने 25 दिसंबर नहीं, बल्कि आप देख रहे हैं कि 25 दिसंबर पे और जो है सेलिब्रेट किया जाता है हमारी ईसाई कम्युनिटी की तरफ से, जिसको हम एज ए क्रिसमस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो उसको भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से परफॉर्म किया गया। इतने अच्छा डांस परफॉर्मेंस, दो तीन इस तरह की परफॉर्मेंस दी गई, जिसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। Thank you.
साहब जो डिफरेंट ब्रांड्स की तरफ से बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे गए हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि क्वेश्चंस करके जो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए जाने वाले गिफ्ट्स हैं डिफरेंट ब्रांड्स ने वहां पे अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए गिफ्ट्स भेजे और अहमद साहब ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए और जिन जिन लोगों ने सही रिस्पॉन्स किए सही आंसर दिए उनमें डिस्ट्रीब्यूट किए। सबसे पहला सवाल ये बताइए कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ना सिर्फ ये उसके बाद कुछ बच्चों ने इतनी कोई प्यारी परफॉर्मेंस दी इन्होंने वहाँ पे मौजूद ऑडियंस को भी मौका फराहम किया कि कोई कुछ बच्चे थे जिन्होंने गाना गाया कुछ बच्चे थे जिन्होंने अपने अच्छा उसके बाद क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और धीरे धीरे ऑडियंस कम होने लगी क्योंकि देर भी बहुत हो गई थी फिर लोगों को शायद भूख लगने लगी और लोग जो है फिर जाने लगे फूड कोर्ट की तरफ तो हमारे साथ भी बच्चे थे उनको भी बड़ी भूख लग रही थी तो हमने सोचा क्यों ना हम भी फूड कोर्ट की तरफ चलें लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि बहुत ही मज़े की परफॉर्मेंस वहाँ पे भी दी जा रही थी थोड़ी देर के लिए हम वहीं पे खड़े हो गए कुछ देर हमने परफॉर्मेंस देखी उसके बाद फूड कोर्ट की तरफ बच्चों की चॉइस पे हमने देखा कि क्या खाना चाहिए सारे बच्चों की फरमाइश पे केएफसी की तरफ गए लेकिन इतनी कोई ज़्यादा रश थी कि हमें केएफसी पे खड़े खड़े 15 मिनट ऐसे ही गुजर गए तो इतनी कोई ज़्यादा रश थी कि हमें जगह ही नहीं मिल रही थी कहीं से टेबल पकड़ा कहीं से हमने चेयर्स पकड़ी ये आप देख सकते हैं कि ओ माय गॉड कहीं से टेबल पकड़ना पड़ा कहीं से चेयर्स पकड़नी पड़ी थोड़ी देर के लिए तो हमें खड़ा भी रहना पड़ा। हाँ जी तो फिर केएफसी जब आ गया तो बर्दाश्त किससे होता है जी और ये देखें जी हमारे बच्चों ने खाना भी शुरू कर दिया किसी ने बर्गर उल्टा पकड़ा किसी ने बर्गर चिकन का पीस पकड़ा और हम सब खाना शुरू कर दिया लेकिन जब हम नीचे गए तो देखा कि बस ऑलमोस्ट एंड ही होने वाला था और फिर हम चले अल्लाह हाफिज़ की तरफ। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे व्यूवर्स मेरी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू अल्लाह हाफिज़।